चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षा चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया में एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए दो ही काउंसलिंग अथॉरिटी हैं। सबसे पहले एमसीसी, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, ईएसआईसी के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाई जाती है। दूसरी काउंसलिंग अथॉरिटी है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, जिसमें 85% स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग करवाकर एडमिशन दिया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग भी कंसर्न मिनिस्ट्री द्वारा करवाई जाती है, लेकिन जो मेनली काउंसलिंग अथॉरिटी है वो दो ही है, एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। अभी कुछ दिन पहले एनएमसी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें ये कहा गया था कि एक कॉमन काउंसलिंग हो, एक ही प्लेटफॉर्म पर ये दोनों काउंसलिंग हो, 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए और 85% स्टेट कोटा के लिए। तो ये गाइडलाइन तैयार की है एनएमसी ने और इसको, इस ड्राफ्ट को पब्लिक भी किया है, यानी ये जो ड्राफ्ट है पब्लिक के कॉमेंट्स के लिए इसको पब्लिक किया है और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी से भी उनकी राय मांगी है कि क्या ये सही है। तो किसी किसी स्टेट्स ने इसको सही ठहराया है और किसी किसी स्टेट ने इसको उचित नहीं ठहराया, किसी स्टेट ने इसका रिप्लाई नहीं दिया। ये जो मैं आपको ये ड्राफ्ट दिखा रहा हूं, ये एनएमसी का वही ड्राफ्ट है जिसमें पब्लिक द्वारा कॉमेंट्स मांगे गए थे और कॉमन काउंसलिंग के बारे में इस में कहा गया है। अब हम देख लेते हैं कि ये अगर कॉमन काउंसलिंग होती है तो स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, क्या इससे नुकसान भी हो सकता है या इससे फायदा भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, मैं काफी समय से काउंसलिंग करवा रहा हूं, मैं इस बात के लिए काफी दिनों से सोच रहा था कि एक ऐसी काउंसलिंग हो जो एक ही प्लेटफॉर्म पर हो, यानी 15% और 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर हो। मैं ये काफी दिनों से सोचता आ रहा था, लेकिन ये अभी होने की पहल हो रही है तो मैं इससे बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, क्या क्या फायदे होंगे स्टूडेंट्स को इससे, क्या क्या नुकसान होते हैं अलग अलग काउंसलिंग से। तो अगर ये लागू होता है तो स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही एक खुशी की बात है, एक गुड न्यूज है। क्यों गुड न्यूज है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले तो स्टेट्स काउंसलिंग जो होती है वो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होती है, अलग अलग डोमिसाइल्स रूल होते हैं, तो स्टूडेंट्स को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ एक प्रोसीजर बता देता हूं कॉमन काउंसलिंग का, कि इस प्रकार से ये हो सकती है, क्योंकि इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होगी उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा इस काउंसलिंग से, और जो 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टेट करवाता है, अगर ये कॉमन काउंसलिंग हो तो स्टेट की काउंसलिंग में स्टेट के स्टूडेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो प्रेजेंट में हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है, तो वो यहाँ अलग अलग लागू होगा। डोमिसाइल क्राइटेरिया है वो भी यहाँ स्टेट वाइज लागू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं डीयू यूनिवर्सिटी का और जिपमर का। डीयू यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है 85% स्टेट कोटा के लिए, वो काउंसलिंग भी एमसीसी करवाता है। इसके अलावा जो जिपमर का इंटरनल कोटा का काउंसलिंग होता है वो भी एमसीसी करवाता है। दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हैं, वो दोनों अलग अलग ही फॉलो हो रहे हैं। तो जब स्टेट की काउंसलिंग होगी एक कॉमन काउंसलिंग में 85% सीट के लिए, तो किसी भी स्टेट के कैंडिडेट को कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान इसलिए नहीं होगा कि यहां जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट स्टेट का स्टेट वाइज लागू किया जाएगा, जैसे कि डीयू यूनिवर्सिटी और जिपमर इंटरनल सीट के लिए लागू होता है। तो इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि
इसमें नुकसान क्यों नहीं होगा, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कुछ स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती है, जैसे राजस्थान, बिहार, केरला, हरियाणा, यूपी, इनकी कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, MP, तो इस प्रकार से इन स्टेट की कट ऑफ कम जाती है। लेकिन जो 85% के लिए कॉमन काउंसलिंग होगी, उसमें 85% के लिए स्टेट का कैंडिडेट ही उन सीटों के लिए स्टेट वाइज एलिजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र की जो 85% सीट से, उसमें महाराष्ट्र का स्टूडेंट ही एलिजिबल रहेगा। राजस्थान की जो 85% सीट है, राजस्थान का कैंडिडेट ही एलिजिबल रहेगा। यूपी की जो 85% सीट है, उनमें यूपी का डोमिसाइल कैंडिडेट जो वहां की एलिजिबिलिटी रखता है, वही कैंडिडेट उसके लिए इलिजिबल रहेगा। इसलिए किसी भी कैंडिडेट को कोई नुकसान नहीं है, ये नुकसान नहीं है, क्योंकि काफी सारे जो स्टेट जिनकी कट ऑफ कम जाती है, वो स्टूडेंट डर रहे हैं कि क्या कॉमन काउंसलिंग होगी तो हमारी भी सबके इक्वल जाएगी कट ऑफ। ऐसा नहीं है, ये सारा 85% स्टेट के हिसाब से ही होगा। तो आपको किसी भी स्टूडेंट को डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अब इसमें फायदा क्या क्या होगा, ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अगर कॉमन काउंसलिंग होती है, स्टेट द्वारा काउंसलिंग नहीं करवाई जाती है, एक ही काउंसलिंग होती है कॉमन काउंसलिंग, MCC अगर करवाती है काउंसलिंग, तो एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी जो फिलहाल रजिस्ट्रेशन है, वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। जैसे कि MCC का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसका रजिस्ट्रेशन अलग होता है, इसके अलावा जो बाकी AFMC के लिए MCC की वेबसाइट भी रजिस्ट्रेशन होता है, IPU का, इनका सबका, स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन जब एक ये कॉमन काउंसलिंग होगी तो एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। स्टूडेंट को इसमें क्या फायदा होगा, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हर एक बार स्टेट की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि स्टूडेंट को एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। जिस प्रकार से नीट में फायदा हुआ है, 2016 से पहले नीट नहीं हुआ करती थी, उसके पहले काफी एग्जाम हुआ करते थे, स्टूडेंट को काफी ध्यान रखना पड़ता था, महाराष्ट्र का अलग से एग्जाम होता था, कर्नाटका का अलग से एग्जाम होता था, तो ये स्टेट के एग्जाम अलग से होते थे, उनको स्टेट के एग्जाम देने। लेकिन अभी एक कॉमन ही एग्जाम है नीट, एक ही फॉर्म अप्लाई करना होता है। इसी प्रकार से कॉमन काउंसलिंग के लिए आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये नहीं देखना है कि अभी कर्नाटका के फॉर्म स्टार्ट हो गए, अभी महाराष्ट्र के हो गए हैं, कहाँ अप्लाई करना है, किसी का फॉर्म छूट भी जाता है। तो इसमें ये सारी स्टूडेंट की समस्या यहाँ पर हल हो जाएगी। सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, MCC के लिए भी वही होगा, स्टेट के लिए भी वही होगा। इसके बाद में एक ही रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन एक ही करना है तो रजिस्ट्रेशन फीस भी एक ही डिपॉजिट करनी है, क्योंकि स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन फीस MCC के लिए अलग करनी पड़ती है अभी फिलहाल। इसके अलावा स्टेट में जो प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं ओपन कोटा के तहत, वो तो तीन तीन चार चार स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फीस डिपॉजिट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ा फायदा होगा स्टूडेंट को, कि उनको रजिस्ट्रेशन फीस भी एक ही देनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा जो फायदा है वो है, एक ही बार सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी। अभी देखो, स्टेट की सिक्योरिटी मनी अलग होती है डिपॉजिट, वो 2 लाख रुपए अलग होती है, MCC की 2 लाख रुपए होती है, किसी स्टेट में 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी होती है। तो ये अगर कोई स्टूडेंट ओपन सीट पर एडमिशन लेना चाह रहा है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उसकी कितनी सारी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। अगर वो 5 जगह अप्लाई करता है तो 10 लाख रुपए तो उसके सिक्योरिटी के डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हर एक स्टूडेंट फिर अप्लाई नहीं कर सकता है उस सीट के लिए, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकता है वो, क्योंकि सिक्योरिटी मनी इतनी ज्यादा है कि वो हर जगह नहीं पे कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा एक फायदा हो गया, सिक्योरिटी मनी का इतना बड़ा फायदा हो गया कि स्टूडेंट को एक ही सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी।
इसके बाद में ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि मान लो जो स्टूडेंट गवर्नमेंट में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए तो दो ही जगह काउंसलिंग करनी है, एमसीसी की काउंसलिंग करनी है और स्टेट की। लेकिन जो ओपन कोटा के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं स्टूडेंट, उनको चार पांच जगह जाना पड़ता है और उस जगह ऑफलाइन काउंसलिंग भी होती है, मोपअप राउंड की, अन्य राउंड की भी होती है। जैसे राजस्थान में सेकेंड राउंड से ही ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, 7-8 डेज, यानी कि 7-8 डेज के अंदर अंदर वो काउंसलिंग चलती है, काफी समय लगता है। तो स्टूडेंट का ये समय बच जाएगा, इस झमेले से स्टूडेंट बच जाएगा और ये ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाने से स्टूडेंट को काफी फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, स्टूडेंट को इंडिविजुअली नहीं जाना पड़ेगा। जब उसको अलॉटमेंट यानी कि कॉलेज अलॉट हो जाएगी, तभी वो कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि किसी किसी स्टेट में पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाने के लिए काफी एक्सपेंस भी होता है, काफी परेशानी भी होती है। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा दूसरा जो नेक्स्ट फायदा है वो है कि एक स्टूडेंट एक ही सीट होल्ड कर पाएगा। जैसे कि मान लो ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हो रहा है, तो स्टूडेंट ने ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में भी सीट ले ली। स्टेट का फर्स्ट राउंड हो रहा है, तो वो स्टेट के फर्स्ट राउंड में भी सीट अलॉट करवा ली। तो एक ही स्टूडेंट दो जगह सीट होल्ड पर है, वो एक जगह एक ही स्टूडेंट दो जगह सीट। लेकिन जब एमसीसी की काउंसलिंग होगी, एक ही प्लेटफॉर्म पर काउंसलिंग होगी, तो या तो वो 85% के लिए उसको सीट अलॉट होगी, या 15% कोटा के तहत उसको सीट अलॉट होगी, जैसे डीयू में और जिपमर में होती है। तो एक ही स्टूडेंट एक ही सीट होल्ड कर पाएगा, एक ही सीट अलॉट करवा पाएगा। इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, जो लोअर मेरिट के कैंडिडेट्स हैं उनको काफी फायदा होगा, कट ऑफ काफी डाउन तक जाएगी। इसके बाद में जो सिक्योरिटी मनी है फॉरफिट हो जाती है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने एमसीसी में सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई, सेकेंड राउंड में उसको सीट अच्छी नहीं मिली, उसकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गई। जैसे प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके बाद किसी ने स्टेट में राउंड छोड़ा है, तो उसकी स्टेट की सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है स्टूडेंट को। तो अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर होगा तो उसमें सिक्योरिटी मनी उसको फॉरफिट होने के चांसेस बहुत कम है। उसी कंडीशन में उसकी फॉरफिट होगी जब वो सीट छोड़ेगा, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद में जो और बड़ा फायदा है वो ये है कि काउंसलिंग के बाद कोई सीट वैकेंट नहीं रहेगी। अभी काफी सारी सीटें स्टेट की भी वैकेंट रहती हैं, स्टेट काउंसलिंग के बाद में एमसीसी की भी रहती हैं, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। ये जो सीट वैकेंट रहने की जो पॉसिबिलिटी है ये बिल्कुल कम हो जाएगी। इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको फोकस करना है। अभी आपको ये देखना है, अभी तो जो फिलहाल काउंसलिंग चल रही है उसमें स्टेट की कब होगी, ऑल इंडिया का राउंड कब होगा, सभी में, तो इसमें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर फोकस करना है, जो कॉमन काउंसलिंग होगी उसी पर। इसके बाद में अगर इसमें आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को क्या आती है कि इसमें जो एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग चल रही होती है, इसी के दौरान ही जो अदर कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, इसके अलावा वेटनरी हो गया, आयुष हो गया, इसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो स्टूडेंट ये जज नहीं कर पाता कि मेरे को एमबीबीएस में सीट मिल सकती है या फिर मेरे को आयुष में लेना है या वेटनरी। लेकिन अगर कॉमन काउंसलिंग होगी तो उसके एक या दो राउंड बाद ही स्टूडेंट को मालूम चल जाता है कि मेरे को सीट कहां मिलने वाली है, क्योंकि अभी कंफ्यूज होता है स्टूडेंट को कि उसके स्टेट में भी सीट मिल सकती है, इसलिए वो अदर कोर्सेज में इतना रिस्क नहीं ले सकता है। तो ये हैं फायदे इसके, ये हैं इसके बेनिफिट। स्टूडेंट को कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अभी स्टूडेंट को काफी बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, अगर ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में नहीं लिया एडमिशन तो क्या पता स्टेट के मोपअप में मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया के मोपअप में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार की रिस्क है उसके साथ। तो ये जो कॉमन काउंसलिंग होगी इसमें किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है।
तो देखो ये तो है इसके फायदे, नुकसान मेरे को इसमें कोई नहीं लग रहा है अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए तो। हर एक स्टेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फॉलो किया जाए, हर एक स्टेट का जो डोमिसाइल क्राइटेरिया है वो फॉलो किया जाए, स्टेट की कंडीशन फॉलो की जाए, तो इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि यही है कि स्टूडेंट को केयरफुली ये काउंसलिंग करवानी है। तो ये मैं सोच रहा हूं कि अगर ये होता है, ऐसा स्टेप एनएमसी द्वारा उठाया जाता है, तो स्टूडेंट के हित के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। बाकी देखो मैं आपको बता दूं, हर एक काउंसलर का, हर एक स्टूडेंट का, हर एक पेरेंट्स का सोचने का जो दायरा होता है वो अलग-अलग होता है। मेरा सोचने का दायरा ये है कि स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो, उसको परेशानी ना हो, उसको जो वो डिजायर्ड कॉलेज चाहता है वो कॉलेज उसको मिल जाए। इसको इससे एक ये फायदा होगा कॉमन काउंसलिंग से कि जो बाद में जैसे मोपअप वगैरह में स्टूडेंट को अच्छी सीट मिल जाती है, तो सेकेंड राउंड में मिली हुई सीट वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि काश मैं मोपअप में मोपअप तक रिस्क ले लेता, लेकिन सारे स्टूडेंट तो मोपअप तक रिस्क ले नहीं सकते हैं। क्या मेरे को, अगर मैं स्टेट में एडमिशन ले लेता, रिस्क ले लेता, तो मेरे को स्टेट की अच्छी सीट मिल जाती, मेरे और उस कैंडिडेट के मार्क्स सेम है, लेकिन स्टेट में उसको अच्छी सीट मिल गई है, मैं ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में एक सीट जो है दूर की सीट, दूर स्टेट की सीट लेके बैठ गया। तो इस प्रकार का कोई किसी प्रकार का झमेला नहीं रहेगा, कोई पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि कॉमन काउंसलिंग से आपको एक अच्छी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये मेरा सोच है, इससे स्टूडेंट को लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इससे दौड़ भाग नहीं होगी और पैसे की बर्बादी नहीं होगी, आपको एक ही जगह फोकस करना है। बाकी अगर ये जैसे ही लागू होता है, वैसे तो मैं सोचता हूं कि इसमें काफी सारा वर्कआउट करना होता है, काफी सारा वर्कआउट होगा, स्टेट की जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, तो ये हो सकता है इस साल ना हो, अगले साल हो, लेकिन ये जैसे भी होगा और इसके रूल जैसे भी आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ में, नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते आपको ये जरूर बता देता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।